तो जी गाइज, हम लोग जो है किचन में हैं और ये देखिए आज क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। मैंने सब निकाल के रख लिया है और मतलब कि चलिए व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह से व्लॉग स्टार्ट करा नहीं था, ये देखिए, क्योंकि मैं कपड़े सी रही थी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये मैंने कढ़ाई के अंदर जो है पानी बॉईल करने रख दिया है और आज हम लोग जो है ना खाना नहीं बना रहे, मतलब डिनर नहीं बना रहे। तो डिनर में हम क्या बना रहे हैं, बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा चलिए इसी से पेट भर जाएगा, खाना बना के क्या करेंगे। तो देखिए ये दो चाउमीन के जो है पैकेट हैं, ये दोनों हम बनाएंगे। और कहने वाले तो कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हम अकेले नहीं खाएंगे, हमें कहीं भेजनी भी है तो इसलिए हम बनाएंगे। तो ये हमारे दो चाउमीन के पैकेट हैं, तो हम इसको खोल के जो है अपने पानी में बॉईल कर लेंगे। और चाउमीन की रेसिपी तो मेरी सबों ने देख ही रखी है, चाउमीन की रेसिपी मैं नहीं डालूंगी। और ये चाउमीन के ने जो है मैंने प्याज और क्या नाम है शिमला मिर्च जो है मैंने कट करके रख ली है। और ये देखिए इधर थोड़े से जो है हम फिन फ्राइज बनाएंगे, ये भी मैंने कट करके जो है पानी के अंदर धो के अच्छे से इनको भिगो दिए हैं। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी आज वो भी दिखाऊंगी। और एक चीज़ और बनाने वाले हैं, तो चलिए पहले फटाफट से जो है मैं चाउमीन बॉईल करने रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो जो करूँगी, जैसे जैसे करूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो जी गाइज, मैंने जो है चाउमीन ये देखिए पानी में डाल के जो है मैंने इसको उबालने रख दी है। और इधर फ्राई फ्लेम में जो है मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिर उसके बाद जो है हम अपने फिन फ्राइज जो है ये आलू कटे हुए जो है इसमें बॉईल कर लेंगे 50% तक। फिर हम इसमें क्या मिलाएंगे मैं दिखाऊंगी। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से जो है हम अपने आलू को इसमें उबाल लेते हैं। तो गाइज देखिए, मैंने आलू भी उबालने रख दिए हैं, इधर चाउमीन भी हमारी उबल चुकी है। और आज हम क्या बनाएंगे, इधर निकली हुई है मिक्सी, तो मैं पीसूंगी चटनी। यह हमारा इमली का पल्प था तो मैंने इसको भिगो दी थी, तो यह हमारी इमली भीगी हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक और पीसी हुई लाल मिर्चे, इसके बनाएंगे हम चटनी। तो हम आज बनाएंगे दिल्ली के मशहूर लोम चिड़े। तो लोम चिड़े की मैं रेसिपी दे रही हूँ। तो चटनी है, इसको जो है हम जार के अंदर, जिसमें मतलब इसमें एक दो गुठलियाँ भी है तो हम हाथ से मिक्स करके इसको निकाल देंगे, इसमें पल्प डाल देंगे और ये पानी भी डालेंगे, पानी फेंकना नहीं है हमें। और इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा डाल के चटनी पीस के तैयार करते हैं। और ये देखिए मैंने इधर जो है प्याज भी कट कर ली है, और अभी हमने पकौड़ियाँ तली नहीं है, मैं तलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पीस लेते हैं चटनी। तो गाइज हमने जो है चटनी पीस ली, देखिए मैंने चटनी पीस के रख ली है, देखिए है ना एकदम बढ़िया स्मूथ एकदम पीसी गई है चटनी। तो चलिए इसको ढक के एक तरफ रख देते हैं। और हमारे आलू भी देखिए यहाँ पर बॉईल हो गए हैं, चाउमीन भी हो गई है, तो अब हम इसको जो है फटाफट से छान लेते हैं। तो गाइज मैंने जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है अच्छे से, जब ये गरम हो जाएगा ना तो हम इसको स्लो कर देंगे। और ये देखिए यह हमारे आलू जो है मैंने एकदम पानी निचोड़ लिया है, इसके अंदर डाल दिया है हमने कॉर्नफ्लोर मतलब अरारोट, इसे अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, उसके रखेंगे एक तरफ। और ये बेसन था, बेसन में खाली हमने नमक डाला है, नमक डालने के बाद जो है अच्छे से हमने बेसन को घोल लिया है। अभी ये गाढ़ा पेस्ट है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम इसके इसको थोड़ा सा बल हल्का मामूली सा इसको जो है पतला करेंगे, उसके बाद हम अपने लोमचड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको अरारोट को मिला देते हैं, ये तलेंगे हम बाद में, पहले हम लोमचड़ों की पकौड़ियाँ तलेंगे। तो गाइज मैंने इसमें जो है पकौड़ियाँ डाल दी थी, और देखिए हमारी फ्राई भी हो रही हैं। और ये मैंने दो चार ये देखिए फूली फूली एकदम हमारी, देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। जब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ना तो हम इनको पानी में डिप करके निकालनी है, और इसमें भी अरारोट अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसे ना तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं हमें तलनी है, क्योंकि अंदर से फिर ये कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से जल जाएंगी, तो हमें मीडियम टू लो पर इसको फ्राई करना है। तो चलिए फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने इतनी जो है फुलकियाँ तल के रख ली हैं, अब इसे हम बट डालेंगे बाद में पानी में, नहीं तो एकदम घुल जाएंगी, ये मुलायम तो होती हैं ये। और ये हमारा बैटर बचा था, इसके अंदर हमने डाल दिया है जर्दे का रंग, मतलब जो बिरयानी में कलर डलता है वो कलर डाल लिया है। अब इसको है ना हम अच्छे से मिक्स करके जो है हम इसकी भी फुलकियाँ मतलब पकौड़ियाँ तल लेंगे, जैसे ऐसी तली हैं इस तरीके से ये भी तलेंगे, बस ये है ये वाइट बनती हैं रेड बनती हैं। तो चलिए फटाफट से ये भी तल लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारे लोमचड़े जो है रेडी हो चुके हैं, ये देखिए दिल्ली के मशहूर लोमचड़े चटपटे। और गाइस जिसने खा रखे होंगे उसको तो पता है कि है मशहूर, वाकई में
बहुत अच्छे चटपटे होते हैं, और जिसने नहीं खा रखे उसको भी पता चल जाएंगे। एक दफ़ा आप भी ट्राई मार के देखना। और हम तो भाई घर में बना लेते हैं। और ये देखिए इधर चाउमीन भी रेडी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उधर हमारे फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए फटाफट से इन्हें भी रेडी कर देते हैं, फिर जहाँ भेजना है वहाँ भेजेंगे, फिर हम लोग खाएंगे, इनके पापा को भी उठाऊँगी। और यहाँ से मैं हाथों हाथ समेटती गई हूँ, और जो है बर्तन वगैरह जो भी निकलते रहिए मैं हाथों हाथ धोती रही। तो आप बताइएगा आज की रेसिपी हमारी आपको कैसे लगी। हो जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ गाइस चैनल पे हैं सब्सक्राइब करें, बिना अनसब्सक्राइब करे वीडियो ना देखा करें। बहुत से लोग क्योंकि अनसब्सक्राइब करके देखते हैं, और हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। और लाइक भी ज़रूर दीजिए, शेयर भी कीजिए अच्छी लगे वीडियो ग्रुप में, रिश्तेदारों में, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी। आज बच्चों की फरमाइश थी तो इसलिए हम लोगों ने जो है खाने में यही बना लिया है। अब खाना क्या खाएंगे, इसी से पेट भर जाएगा थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और लोमचड़े प्लीज़ गाइज आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, और अभी जब मैं सर्व करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से ये भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गाइस लॉन्ग चड़े तैयार हैं, और यहाँ पे फ्राइज भी तैयार हैं, और ये चाउमीन गाइस देखिए कितनी गरम गरम एकदम फूक रही है चाउमीन। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं। ये देखिए एकदम धुआं निकल लिया इसके अंदर, और सब चीजें माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। और लॉन्ग चड़े का तो बस जवाब ही नहीं। तो चलिए अब मिलेंगे खाने के बाद। और आप हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस सब खैरियत से हैं, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो जी गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कल, मैंने मतलब कि खाना वगैरह नहीं बनाया था, बस थोड़ा ही खाने पीने के लिए बनाया था, उसी का शूट करा था। तो मैंने कहा चलिए अब इसका क्या रखो, और फिर उसके बाद से जो है मतलब मैंने रख दिया था थोड़ा। ये है बच्चों का कपड़ा वपड़ा सी के रख रही हूँ, तो उसमें भी मतलब यूँ ही निकल जाता है। और आज हम हॉस्पिटल गए थे, जैसे कि मैंने दिखाया है बाजरा भी डाला था, बस हॉस्पिटल का कुछ शूट वगैरह करा नहीं है। और वहाँ से आने के बाद जो है फिर जल्दी से काम वगैरह से निपटे, बच्चों को नहलाया धुलाया, नमाज़ पढ़ी, और ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो जी गाइस चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। और चाय अभी पी है नमाज से निमट कर, और यहाँ पर असर भी हो गई है। और वहीं से जो है ना ये देखिए हम लोग लेते हुए आए थे पाए, आज पकेंगे पाए। तो ये मैंने धो लिए हैं अभी एक दो पानी में, और निकालूंगी अभी मैंने। और मतलब वो लोग है ना काट के नहीं देते हैं सही से, तो इसलिए ना ये और हम मतलब इसको काटेंगे। और ये रही आयरा, वो रही, कपड़े वगैरह भी सब धो लिए थे मैंने, कमीज नीचे करो बुरी बात होती है। और खिजरा का है ना ये वाला, मैंने सूट सिया था, खिजरा पहनी हुई है, देखिए ये वाला सूट मैंने खिजरा का सिया था। और जो है आयरा की भी मैंने फ्रॉक सी है, उसके अंदर बस बेल लगनी बाकी है, तो मैं बेल भी लेकर के आई थी। तो खिजरा का दो सूट सिए हैं, देखिए अच्छे लग रही है ना माशाल्लाह से। और क्या नाम है, और भी सीऊंगी, अपने भी सीऊंगी। तो चलिए फटाफट से जो है पहले इसको कर देते हैं, फिर उबालने रखेंगे क्योंकि उबालने में भी लगता है टाइम। तो पहले मैं फटाफट से ये कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज मतलब धो धा कर है ना, तो मैंने कुकर में रख दिए हैं नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके, तो धीमी धीमी आँच में जो है पाए हमारे उबल जाएंगे। और बस यही था, फिर उसके बाद जो है जितने भी मतलब बर्तन वगैरह थे सब धो धा के रखे हैं, वहाँ से समेट कर मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा और बता देती हूँ। और गाइज क्या नाम है,
ये मतलब जिसने भी फेक अपनी आईडी बना रखी है ना वो देख रहा होगा या देख रही होगी। वैसे तो क्या नाम है, कोई अनजान तो ये है नहीं, होगा तो कोई जानने ही वाला, जानने वाले की ही हरकतें हैं ये। और क्या नाम है, ये अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रहा है। और देखो हमें तो पता नहीं है कि लेडीज है ये जेंट्स है, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं ना तो ये अच्छी नहीं हो रही है। ये एक बाप की औलाद नहीं है, 10 बाप की औलाद होगा, ठीक है ना। और रात को भी जो भी कमेंट करा था ना, तो तू अपने घर वालों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवी से, अपनी अम्मा बहनों से धंधा करवाता होगा जो तुझे पता होगा। भाई मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, अगर कोई गिर के बात करेगा ना तो मैं उसको ऐसे ही गिरा करके बात करूँगी, और कोई अच्छे से बात करेगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूँगी। तो तुझे क्या लेना देना है, दुनिया इंस्टाग्राम चला रही है, दुनिया यूट्यूब चला रही है, हो सकता है कि तू भी चला रही हो, हैं। हम औरों की तरह नहीं है भगोड़े, जो भाग भाग कर आ जाओ, किराया चढ़ा लो अपने जान के ऊपर और बीवी बच्चों को लेके रात रात में गायब हो जाओ, ठीक है ना। अगर इतनी हिम्मत है ना एक बाप की औलाद तो सामने आके दिखा, सामने आके बता, फिर तुझे मैं बताऊंगी। बीच में से ना चीर दिया ना मैंने तुझे तो मेरा नाम बदल दियो। और गाइज कोई है इतना बेशरम है, इतना बदतमीज है, जाहिल है, वो एक बाप की औलाद नहीं है, वो 10 बाप की ही औलाद होगा, नीच है वो, और वाकई में ही गंदी नाली का कीड़ा है वो, है। रात को कमेंट करके बता रही है मुझे, तो मैंने तुझे फिर क्या नाम है औकात दी ना, कैसे औकात दी, फिर तूने वो कमेंट भी डिलीट मार दिया मेरे भी और अपने भी। अगर तू एक बाप की औलाद होता ना तो तू कमेंट को रखता, अपनी बात पे रखता, और तेरे अंदर इतनी हिम्मत होती ना तो तू हमारे सामने आके दिखाता। वैसे तो कोई किसी जानने वाले का ही काम है, किसी, देखो गाइज अनजान का काम है नहीं। अब किसी को क्या लेना देना, हम कुछ भी करें, हम यूट्यूब चलाएं या हम इंस्टाग्राम चलाएं, ठीक है। वैसे तो हमारी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है, और देखिए लूसी बैठ के देख रही है, और जो है अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वो ये ना जात खराब के जो होते हैं ना, नाली के कीड़े गंदे, तो अपनी औकात और जात दिखाते जरूर है। तो तूने क्या सोचा, तू कुछ भी लिख के भेज देगा या भेज देगी, वो हिजड़ा या हिजड़ी है, वो इंसान नहीं है वो ना, वो अगर आदमी होता ना तो आदमियों वाले ही काम करता, वो हिजड़ा है, और औरत होती तो सामने होकर बात करती, तो वो भी हिजड़ी है। मैं तो भाई इसी लैंग्वेज में बात करूंगी, चाहे किसी को कुछ भी लगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि ये इतना बोलती है, ये इतना बोलती है, बोलने वाले काम तो तुम लोग खुद करते हो ना। तो अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो सामने आके दिखा, फिर मैं तुझे बता दूंगी, मैं तुझे जवाब दूंगी ना, हैं। तू अपने घर में धंधा करवाता होगा ना, तुझे पता होगा कि धंधे कैसे होते हैं, ठीक है। और तूने कमेंट क्यों डिलीट मारे, औकात मिल गई थी ना रात में, हैं। और अपना चैनल भी, वो जो फेक आईडी बनाई थी तो उसको भी तूने डिलीट मार दिया था, सब तुझे औकात देते ना, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जानने वाले, हमारे यूट्यूबर जितने भी थे, मतलब कि YouTube फैमिली जो हमारी है, तो तुझे औकात मिलती बड़ी सही सही करके, तो तुझे पता चल जाता कि तो कौन धंधा करता है कौन नहीं करता, ठीक है ना। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो सामने आके दिखा दे, फिर हम तुझे बताएंगे, है ना। और कमेंट क्यों डिलीट मारे, अपना चैनल क्यों गायब कर दिया, फेक आईडी बनाई थी, डर लग गया है, हमारा तो खौफ ही काफी है इतना ही। तो गाइज है कोई बेशरम इंसान, वो इंसान ही नहीं है, इंसान के नाम पे धब्बा है वो, एक आ गई बात समझ में। क्योंकि देखे गाइज जो जलने वाले होते हैं ना, बहुत जलते खिलसते हैं, और वो ही है कुत्ते की तरह, जो भी मुंह में आता है ना वो भोंकते हैं, बकवास करते हैं। और रात को 2 बजे कमेंट करा है, उसके बाद मैंने देखा, मैं बच्चों के कपड़े सी रही थी, मुझे नींद तो आनी रही थी, फिर मैंने फोन देखा, कमेंट मैंने पढ़ा, फिर उसका मैंने उसको ऐसी ही औकात दी। तो उसने क्या करा, उसने ये सोचा कि रात के टाइम तो कोई देखेगा नहीं, फिर उसने पढ़ पढ़ा करके मेरे भी डिलीट मार दिया, अपने भी डिलीट मार दिया। अगर एक बाप की औलाद होता तो सारे कमेंट रखता, उसकी भी औकात सबको पता चलती कि उसकी औकात क्या है। तो मैं तो ऐसे ही औकात में रह के बात करती हूँ भाई, जो अपनी औकात दिखाता है ना इज्जत, तो फिर उसको है ना उसी औकात में ही दे करके बात करनी पड़ती है, उसको इज्जत देने की। जो इज्जत के लायक होता है उसको इज्जत दी जाती है, जो बेइज्जती के लायक होता है उसको बेइज्जती दी जाती है। तो चलिए गाइज अभी जो है हम सालन वगैरह बनाएंगे, अभी तो फिलहाल मैंने धीमी आँच में जो है अपने पाए बनाने, मतलब उबालने के लिए रख दिए हैं। और वैसे तो मेरी रेसिपी डली हुई है पायों की, बस यही कहना था। और हॉस्पिटल गए थे एमआरआई के लिए, मेरी एमआरआई के लिए, तो वहाँ हम गए थे करोल बाग गए थे, वहाँ पर कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ पर एमआरआई होती है,
बंगला साहब गुरुद्वारे में गए थे तो वहाँ पर हम मालूमात कर कर आए हैं, तो वहाँ पर भी मतलब कि कम पैसों में होगा। फिर वहाँ पर देखो देखते हैं जाते हैं, वहाँ पर भी लाइन लगेगी, टोकन बटेंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे जब पता चलेगा कि MRI मतलब कि होनी ज़रूरी है मेरी दिमाग की। तो चलिए गाइस, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, और कोई अपनी निज्जत दिखाए तो उसको सब मिल करके ऐसी ही औकात दें और उसको उसकी औकात में रखें तो उसको अपनी औकात पता चल जाएगी। अब ये वाली आईडी तो तूने क्या नाम है अपनी लीड मार दी, अब फिर से दूसरी नई आईडी बना लियो फेक आईडी, फिर उससे भी कमेंट करियो, फिर उस पर भी तुझे ऐसी औकात मिलेगी, ऐसे जवाब मिलेंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर एक बाप की औलाद होगा ना तो सामने आकर दिखा जा, सामने आके बता, फिर हम तुझे बताएंगे। तो चलिएगा इस बाद में मिलते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है। गाइस देखिए, माशाल्लाह हमारा सालन रेडी हो गया है, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और टेस्टी बना है सालन। अभी खाया नहीं है, खाने के बाद पता चलेगा, जब देखने में इतना अच्छा है तो खाने में क्यों नहीं अच्छा होगा। तो मैंने इसकी रेसिपी यूँ ही डाली क्योंकि हमारे पाए की रेसिपी डाली हुई है और गर्मा गर्म आ गई है तंदूर की रोटी। तो गाइस रोटी बनाने की हिम्मत यूँ नहीं हुई, हॉस्पिटल भी गए थे, फिर वहाँ से आने के बाद घर का भी काम वगैरह करा, फिर पायों में आपको पता है मेहनत कितनी लगती है। तो चलिए खा लेते हैं खाना, फिर मिलेंगे खाने के बाद। तो गाइस खाना जो है हमने खा लिया था, माशाल्लाह से हमारा सालन जो है बहुत अच्छा और टेस्टी बना था, मज़े का बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा ही आ गया है। और व्लॉग जो है थोड़ा मतलब कल का भी था और आज का भी, तो दोनों मिला के थोड़ा मतलब लॉन्ग हो चुका है। तो चलिए, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये बताएं हमारी मतलब कल की भी रेसिपी आपको कैसी लगी और आज का हमारे पाए का सालन कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यही कहना चाहती थी, और थोड़ी मतलब हॉस्पिटल गए थे तो थोड़ी थकान भी हो गई थी, तो इसकी वजह से बच्चे वगैरह सब सो गए हैं, इनके पापा भी सो गए हैं, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग का एंड कर देते हैं। और बस यही है, और फेक आईडी वालों, तो और बस ये फेक आईडी बना बना के तो लोगों को ऐसे ही परेशान करो, तुम्हारा तो काम ही यही है, क्योंकि फालतू लोग होते हैं तो औरों को मतलब दूसरों से है ना जलते फूकते हैं, किलसते हैं, और तुम कितना गिलसे हमारी रेसिपी देख करके, हमने ये खाया, किस किस के पेट में दर्द हुआ, किस किस के नहीं। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, जो फेक आईडी बना लेते हैं ना, मैं उनको कह रही हूँ, उनके तो दर्द उड़ गए होंगे, गुर्दे कलेजों में फट गए होंगे कि उन्होंने ये चीज़ खा ली है, अपनी ऐसी तैसी भी करेंगे, हमारा ब्लॉग भी देखेंगे, फिर बकवास करेंगे। अगर मेरे सामने आ गए ना तो मैं ना हलक में ना हाथ डाल के जवानी खींच लूँगी। तो गाइज वही है, बस जब तक नहीं कुछ को ना तो इंसान है ना वो क्या कहते हैं सीधापन का फ़ायदा उठाता है। तो भाई काम कर रहे हैं तो क्या जलना कि लसना, तुम ऐसे ही जल जल के मर जाओ, लेकिन जिसको मुझे जो कहना होगा, जो जवाब देना होगा, मैं तुम दूंगी, चाहे वो कोई भी कुछ भी समझे, ठीक है ना। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है तो टाइम लगेगा। तो जब तक के ना, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।